हेलो एवरीवन, अब हम डिवाइड करना सीखेंगे गिवन नंबर को किससे, टू डिजिट नंबर से। अब सपोज मेरे पास नंबर है 652 और मुझे इसे डिवाइड करना है किससे, 17 से। अब 17 मेरा हो गया डिवाइजर, तो आ गया भाग, और डिविडेंड क्या है मेरा 652। अब लाइक आपको अगर 17 की टेबल नहीं आती तो अब आप क्या लगाओगे, का आइडिया लगाओगे कि 17 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वह 65 है, 65 से नियर बाय जो आ जाए। तो लाइक मैंने किया 17 को 4 से। ओके, सो 4 7 जा 28, 8 हेयर एंड 2 कैरी। 4 1 जा 4 प्लस 2 हो गया 6, तो मेरे पास आ गया 68, तो उससे ज्यादा हो गया। तो 17 3 जा करेंगे, 3 7 जा कितना होता है 21, सो 1 हेयर एंड 2 कैरी। 3 1 जा 3 प्लस 2 हो गया 51, सो 17 3 जा 51। अब 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 5 1, है ना। अब 2 को हम नीचे लेकर आएंगे, अब ये आ गया 142। तो अब हम आइडिया लगाएंगे किसके नियर बाय होगा। ओके, सो आप देखो कि जब हमने 3 तक किया तो 51 आया, है ना। तो लाइक अब ये इससे डबल हो गया, तो लाइक 17 8 सा मेरे माइंड में आया कि मैं 8 से मल्टीप्लाई करके जो है देखते हैं। अब 8 7 से कितना होता है 56, 6 हेयर एंड 5 कैरी। नाउ 8 1 जा 8 प्लस 5, 5 प्लस 5 करो 9 10 11 12 एंड 13, है ना। 136 है। अब आप देखो 142, लाइक 136 में अगर आप 17 प्लस करोगे तो इससे तो ज्यादा ही आएगा ना। तो इट मीन 17 8 जा कितना हो गया 136। ओके, अब हम दोनों को क्या कर देंगे माइनस। अब 2 माइनस 6 हो सकता है, नो, तो ये से क्या लेगा कैरी लेगा, तो हो गया 12 और ये हो गया 3। सो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, और 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 6। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या है कि डिवाइजर को जब हम क्वेश्चन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे रिमाइंडर से, तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डिविडेंड। सो अब हमारे पास डिवाइजर, डिवाइजर क्या है हमारे पास 17, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 38, और रिमाइंडर क्या है हमारे पास 6। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई और फिर प्लस कर देंगे किससे, 6 से। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से। अब 7 8 जा हमारे पास कितना होता है 56, 6 हेयर एंड 5 कैरी। देन 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 कितना हो गया 26। अब हम नेक्स्ट 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 पे क्या आ जाएगा क्रॉस, या फिर आप क्या लगा सकते हो 0 भी। सो 1 8 8 1 3 जा 3। अब दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, सो देखो 6 प्लस 0 कितना आ गया 6। ओके, 6 प्लस 8 मेरे पास कितना आ गया 14, 4 हेयर एंड 1 कैरी। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 आ गया 6, तो मेरे पास कितना आ गया 646। अब इसमें मैं रिमाइंडर क्या कर दूंगी ऐड कर दूंगी 6, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, सो 2 हेयर एंड 1 कैरी। 4 प्लस 1 5 एंड 6 आ गया 652। यही हमारा क्या था डिविडेंड। इट मींस हमारा आंसर जो है वो क्या है करेक्ट है, हमने सही जो है डिवाइड किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 86344, मींस 86344, और मुझे इसे डिवाइड करना है किससे, 43 से। तो 43 देन 86344। ओके, अब लाइक 43, अब यहाँ पे जो 86 हम लेंगे 86, अब 2 से करके देखते हैं, लाइक 43 2 जा 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो 86 ही आ गया। तो 43 2 जा कितना आ गया 86। अब 86 माइनस 86 कितना हो गया 0। अब हम क्या करेंगे 3 उतारेंगे। अब आप 43 की टेबल में 3 तो आएगा ही नहीं, तो ये क्या आ गया 0, है ना 3। अब फिर 4 उतारेंगे, अब 43 की टेबल में 34 आएगा, नहीं आएगा, तो क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 0। यहाँ पे हमने लिख दिया अब 0, अब 34 माइनस 0 34 ही रहेगा, अब 4। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ लाइक 7 से। ओके, यहाँ पे जो 0 लिखा इसका भी हम 0 लिखेंगे, और यहाँ पे जो 0 लिखा इसका भी हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब 3 7 जा 21, सो 1 हेयर एंड 2 हेयर।
सेवन फोर जार 28 एंड 28 प्लस 2 कितना आ गया 30, तो 301 आया। अब हम 8 से और करके देख लेते हैं, लाइक 43 8 3 जार 24, सो 2 है और एंड 4 है। 8 फोर जार 32, 32 प्लस 2 34, सो 344 आ गया 8 344। तो आंसर रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0, क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। अब हम क्रॉस चेक करेंगे कि हमने डिवाइड जो है ठीक किया है या नहीं किया। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि हम जो है डिवाइजर को पहले क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे किससे, रिमाइंडर से। अब डिवाइजर क्या है हमारे पास 43, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2008 और रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0, तो ये इतनी हमें मल्टीप्लाई करना है 2008 मल्टीप्लाई बाय 43, ठीक है। 3 एट जा कितना होता है 24, सो 2 है और 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 2, 3 जीरो जा 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 टू जा 6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका कैरी हम रख, यहाँ पे हम क्रॉस भी लगा सकते हो 0 भी, क्योंकि अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 क्या है 10th प्लेस पे है, तो इट मीन्स 1 पे क्या आ जाएगा 0, 4 एट जा कितना होता है 32, सो 2 है एंड 3 कैन, 4 जीरो जा 0 और प्लस 3 कितना आ गया 3, 4 जीरो जा 0, 4 टू जा 8। अब हम ऐड करके देखें, ठीक है, सो लाइक 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 2 4, ये आ गया 3 और ये आ गया 6, ये आ गया 8, हमारे पास आंसर कितना आ गया 8 6 3 4 4, यही हमारा डिविडेंड है, इट मीन्स हमारा आंसर क्या है करेक्ट है, इट मीन्स हमने डिवाइड क्या किया है एकदम ठीक है। आपको डिवाइड करना भी आ सकता है, ये लॉन्ग डिविजन मेथड है, और उसके बाद अगर आपको चेक करना आएगा तो आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने लिए भी रफ में जो है चेक कर सकते हो। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।